अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, ठीक है ना। और जी आज का ये मेकअप लुक जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, स्पार्कलिंग आई लुक है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है आज का ये मेकअप लुक, लेकिन थोड़ा सा स्पार्कल एड है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट मेकअप लुक नहीं है, डेफिनेटली ये सॉफ्ट मेकअप लुक ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आईज से इतनी ज़्यादा इनहेंस हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो जी वक्त ज़ाया किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो जी सबसे पहले हमने अपनी आईज़ को एज़ यू कैन सी कि मैंने प्रेप कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बिल्कुल लाइट सा एक शेड जो है एज ए क्रीज एरिया के ऊपर क्रीज को कट डाउन करने के लिए जो है वो अब एप्लीकेशन करूँगी, और बिल्कुल लाइट कलर है और उसकी ब्लेंडिंग करते हुए जस्ट क्रीज एरिया पर हम उसकी एप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपने इसके साथ ही सब्सक्राइब करना है, जो कि सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको इजीली मिल सके। और दूसरी बात, जो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में। उसके बाद जी हमने एप्लीकेशन करनी है अपने, ये लेवेंडर कलर है और ये मेटालिक है, लाइलिक कलर भी आजकल कह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो ये मेटालिक में है। इसकी फर्स्ट हाफ के ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा जी इसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमने लाइट कलर का लाइलिक कलर लगाया है, देन हमने थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर कह लें या मजेंडा कलर कह लें, मजेंडा तो नहीं कहेंगे, पर्पल ही कहेंगे, पर्पल की फैमिली से ही है ये सारी लाइलिक शाइलिक मजेंडा शजेंडा कलर, ठीक है। तो जी हम उसके बाद सेकंड हाफ पे, या आप कह लें कि हाफ आई जो रह गई थी वहाँ पे, हम ये कलर अप्लाई करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे और बिल्कुल लाइटर टोन में इसको रखेंगे। इतना डार्क टैप टैप मोशन में अप्लाई नहीं करना, इसकी ब्लेंडिंग करनी है अपने इस तरीके से। उसके बाद जी आउटर कॉर्नर पे हमने ब्राउन कलर का मेटालिक कलर लिया है, वो जस्ट आईज़ के अंदर अंदर रख कर ही इसकी एप्लीकेशन करनी है। एज यू कैन सी कि मैं इसको बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं फ़िलहाल निकाल रही, जिस तरह बंदा औकात के अंदर रहता है ना, उस तरह उसी शेडो ने भी फ़िलहाल अपनी अख के अंदर अंदर ही रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग करनी है कुछ इस तरीके से, ये देखें ये ब्राउन कलर के साथ मैंने उसकी ब्लेंडिंग करते हुए उसको आउटर साइड पे निकाल दिया था। उसके बाद जी जो सबसे पहले हमने लाइलिक कलर लगाया था मेटालिक में, वो हमने अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर, कंप्लीट लोअर लैश लाइन के ऊपर उसकी एप्लीकेशन कर देनी है। और जी मेरी वीडियोज़ विदाउट एनी फिल्टर होती है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जो मोबाइल का सिंपल कैमरा होता है उसके अंदर जो वीडियो बनी होती है उसके अंदर जो होता है सिंपल कैमरा उसके अंदर होता है, डेफ़िनेटली हमें वीडियो को एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर्स करने के लिए ज़रूर किसी ना किसी उसकी ज़रूरत पड़ती है ऐप की, तो वही हम सिर्फ यूज़ करते हैं क्रॉप वॉइस ओवर्स करने के लिए। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे फिरोजी ग्रीनिश या जेरा भी कलर कह लो, मैंने समझ नहीं आ रही उनकी ये कहना है, एज अ हाइलाइटर मैंने आज फंकी कलर यूज़ किया है। देन हमने अपनी इनर सॉरी वाटर एरिया के ऊपर सेम जिस तरह का हाइलाइटर लगाया है ब्लू कलर, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जी अपने वाटर एरिया पे हमने क्या करना है, ग्लिटर अप्लाई करना है, और ये ग्लिटर इतना कोई हसीन है, अभी से आप इसकी स्पार्क चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ये लाइलिक कलर ही है लेकिन इसके अंदर जो स्पार्क है वो उस हाइलाइटर जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है उसकी भी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शाइनी की आइज़ को ब्लिंक करता है, बहुत ही प्यार लग रहा है। जब हम आइज़ को ब्लिंक करते हैं तो उसके अंदर जो शाइन आती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। उसके बाद हाइलाइटर करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपने ब्रो बोन एरिया को एक मून लाइट कलर के साथ, और जी उसके बाद हम नील क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे मस्कारा, और मस्कारा अप्लाई करने के बाद अपनी लैशेज अप्लाई कर लेंगे, और लैशेज अप्लाई नहीं सॉरी अपना लाइनर भी अप्लाई करना था आज के लुक में। तो अच्छा जी हाइलाइटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, और हाइलाइटर की एप्लीकेशन करने के बाद हम अपना लाइनर अप्लाई करेंगे। और आज का लाइनर जो था ना, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में लाइनर बहुत कम लगा रही थी, तो आज की वीडियो में अपना सारा चार कर लेता जो पूरा, ठीक है। तो मैंने विंग लाइनर लगाया था इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर से भी, इसके विंग्स जो थे वो ड्रॉ किए थे, और बहुत ही अच्छा आइस बहुत लेंथी लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ज़्यादा प्रोमानेंट हो रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये देखें जी हमारा फाइनल लुक जो है आफ्टर एप्लीकेशन और लैशेस जो है वो आप लोगों के सामने है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हसीन लग रहा है, तरीन लग रहा है, फतीन लग रहा है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों ने तो तारीफ करनी ही है तो फिर किसी ना किसी ने तो करनी है ना, तो किसी ना किसी मैं खुद ही की हूँ, ठीक है। तो फाइनल लुक आप लोगों के सामने, आई होप आप लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, और यस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी के साथ अपनी सिस्टर अबील को इजाज़त दे दें। इंशाल्लाह किसी अच्छी सी मेकअप वीडियो के साथ फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, टाटा।